अच्छा ऐसे करके देखिए कितना अच्छा हो गया। देखिए अरे अरे बाप रे, क्या कर रहे हैं आप? दिखने आपसे तो कटे नहीं रहा प्याज। अरे कोशिश तो कर रही हूँ, दिखने रहा प्याज काट रही हूँ। देखो इतना आग चल रहा है। ये तो मैं कभी नहीं कर सकूंगी निमाई भैया। जैसे कि आपने देखा कि अभी एक कंपटीशन हो रहा था प्याज काटने का, तो जिसमें एज यूजुअल मुझे निमाई भैया ने हरा दिया। वो तो इतने स्पीड से काटते कि मत पूछो। तो अभी बात है कि आज खाना क्या बनेगा। आज ट्यूसडे है, वेज है, और मोरलेस आज सभी हम वेज ही खाते हैं, तो आज सिंपल सा ही कुछ बनेगा। और आज कोरोना के लिए अभी हमारे मार्केट भी यहाँ पे बंद है। हाँ, मार्केट भी ट्यूसडे को अभी बंद कर दिया है, तो कुछ है नहीं। तो जब कुछ नहीं है तो उस सिचुएशन में बनाया जाता है और वो भी टेस्टी। वो एक बहुत अपने आप में एक आर्ट है, तो वो आज हम देखेंगे कि निमाई भैया उसको कैसे करते हैं। और ये क्या बना रहे हैं आज आप? आज हम लोग बना रहे खाली हाँ, आज तो मंगलवार है, तो मंगलवार है, तो इसीलिए आज सिर्फ सब्जी बनेगी। तो इसमें आई थिंक शिमला मिर्च, आलू, फिर ये टमाटर पेस्ट, प्याज, प्याज का भी पेस्ट चाहिए। अच्छा, और पनीर। भैया बोलो क्या दे रहे हो पहले इसमें? तेल, प्याज और हरी मिर्च। हरी मिर्च क्यों नहीं बोला? सब बैठ बैठ के छिपा छिपा के खाना बनाते हैं। हाँ, आलू भी दे दो। ये एक्चुअली हमारे घर में जनरल सब्जी जो होती है वही बन रही है। रोटी के साथ आप खा लो, दाल है सुबह की, तो बस एक हल्की झटपट वाली सब्जी यही होती है। लेकिन इसमें पानी नहीं डलता है ना, सिर्फ तेल में ही ये बनता है। तो आलू, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, और फिर ये शिमला मिर्च जैसे ही आप इसमें दोगे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और पनीर से तो फिर थोड़ा सा फिर और भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है, थोड़ा हैवी भी हो जाता है। तो इसके बाद इसको अभी थोड़ा सा ढक दिया गया है सो दैट ये अच्छी तरह से थोड़ा गल जाए, हल्का गल जाए। फिर उसके बाद ये शिमला मिर्च ऐड किया जाएगा इसमें। तुम पढ़ रहे हो कि नहीं? तो क्या देख कर क्या लगता है? देख के लगता है पढ़ रहे हो, लेकिन समझ के लगता है कि बदमाशी कर रहे हो। पढ़ रहे हो कि बदमाशी कर रहे हो, वही चेक कर रही थी। तो ये देखिए गाइस, देखो ये वही सब्जी है और अब कैसी लग रही है, कितनी कलरफुल और कितनी टेस्टी लग रही है। ये देखो निमाई भैया बैठ के मोबाइल में देख रहे हैं, खेल रहे हैं। निमाई भैया उठो, खाना बहुत भूख लगा है। ओ देखो कैसे बैठ बैठ के कोई सोता है ऐसे, देखो कैसे सो रहे हैं। ओ बाबा एक्सरसाइज भी कर रही है देखो निमाई भैया। अब गरम गरम रोटी बन जाएगी। मेरे घर में वो पंजाब वाला सिस्टम चलता है जहाँ पे एक एक रोटी टेबल पे पहुँचाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि रोटी बना के एक हॉट पॉट में जैसे बना के रख दिए, तो वैसा मेरे घर में बिल्कुल नहीं चलेगा। चाहे निमाई भैया घर गए हैं, कोई नहीं है, फिर भी मेरे घर में एक एक रोटी तवे से नीचे उतरेगी और टेबल पे पहुँचेगी। तो मुझे जब निमाई भैया नहीं रहते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी, एक मिनट। तो यहाँ से रोटी बना के मुझे वहाँ टेबल पे एक एक रोटी पहुँचानी पड़ती है। तो आप सोच लो कि एक रोटी यहाँ से बन के वहाँ पे मुझे देनी पड़ती है, चाहे मेरे घर में कोई भी मुझे हेल्प करने के लिए हो चाहे नहीं हो, पर गरम रोटी ही यहाँ पे खाते हैं हम लोग। रोटी बन गई, देखो फूल गई अब। आ हा हा, दिखाओ कैसे आप लगाए घी। अब ये रोटी लेके निमाई भैया जा रहे हैं ऋषित को देने।
हाँ ये देखो पहली रोटी गई, अब ये दूसरी रोटी बन रही है, अब ये भी फिर दौड़ते दौड़ते निमाई भैया जाएंगे, इसको ले जाएंगे। हाँ ये दौड़ते दौड़ते ही एक्चुअली में पतले हो गए हैं, अब पता चला क्यों पतले हो गए। ये गई दूसरी रोटी, तो आप देखो एक एक रोटी ही बनेगी और एक एक रोटी ही गरम गरम खाएंगे। मेरे घर में रोटियां बन के नहीं कोई खाएगा, ताजी रोटी एक एक रोटी बनेगी और प्लेट पे पहुंचेगी। अपनी भाई भैया बोल रहे हैं कि अब आप दौड़िए, तो ये मैं रोटी लेके अब दूसरी नहीं तीसरी रोटी है ये मैं लेके जा रही हूँ। ये लो नमस्ते। इतने प्यार से निमाई भैया हमको खाना खिलाते हैं, तो हम उनकी दो रोटियों में कम से कम 2 केजी हमारा बढ़ जाता है।